दोस्तों, मिलकर रहना हमारे देश की शान है। देश एक आदमी का नहीं है, हम सबकी पहचान है। हिंदुस्तान में पैदा होना ऊपर वाले का हमारे ऊपर स्पेशल वरदान है। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं इसीलिए महान हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। दोस्तों, मैं राम प्रकाश ठाकुर, माइंड ऑपरेशन अकादमी हिमाचल प्रदेश से आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो दोस्तों बेसिकली स्वतंत्रता के ही ऊपर है। स्वतंत्र हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को हो गया था। 75 साल हो गए स्वतंत्र हुए, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपनी आदतों के गुलाम बने हुए हैं। उन आदतों से ओवरकम कैसे करना है और उनसे छुटकारा कैसे पाना है, आज हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत को आजाद हुए 75 ईयर हो चुके हैं। आपको पता है दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं अभी तक भी मानसिक रूप से पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए। कुछ लोग बैड एडिक्शन के शिकार हो गए हैं, कुछ लोग नशे के आदि बन चुके हैं। जब तक हम बुरी आदतों के गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमारा देश विकसित देश नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात है रामायण के समय की, जब लंकापति रावण को श्री राम भगवान ने मार करके गिराया था जमीन पे, कहते कि पूरी धरती हिल गई थी। उस समय भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, जा करके एक ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लीजिए जिसके पास कूटनीति, राजनीति, आयुर्वेदा, चारों वेदों का ज्ञान, ऊपर से पंडित, सारी चीजों का ज्ञान है, शास्त्र कई पढ़े हैं उसने, उससे आप ज्ञान ले लीजिए। लक्ष्मण का चरित्र आपको पता ही है, करेक्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अग्रेसिव था। भगवान श्री राम की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि इस आदमी से, भैया हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो हमारा दुश्मन है, इससे हम ज्ञान कैसे ले सकते हैं। श्री राम मुस्कुराते हुए इशारा करते हैं कि तू चला जा। लक्ष्मण अग्रेसिव होकर के चला जाता है, रावण के सिर के पास खड़ा होता है और रावण मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालते हैं। लक्ष्मण गुस्से से राम की तरफ देखते हैं दोबारा से, और श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्मण ज्ञान लेने के लिए सर के पास नहीं खड़े होते हैं, ज्ञान लेने के लिए चरणों में अपने आप को अर्पित करना पड़ता है, नीचे चले जाइए रावण के चरणों में। अब लक्ष्मण अग्रेसिव होकर के रावण के चरणों में चला जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना, कई बार हमने पहले सुनी होती है बातें आधी अधूरी, प्रॉपर मीनिंग हमें पता नहीं होता है। हमारा माइंड वैसे भी नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का भूखा होता है, एक नॉलेज ले लेता है, एक इंफॉर्मेशन गेट करता है, उसको छोड़ता है, फिर दूसरे के ऊपर चला जाता है फोकस, फिर दूसरी लेता है, फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है, फिर तीसरे के ऊपर फोकस चला जाता है। परंतु सक्सेस का जो सही सीक्रेट है, असली जो रहस्य है, वो ये है कि आप एक ज्ञान लीजिए और उस ज्ञान के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्लीमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट देखिए, फेलियर सक्सेस जो भी है वहां से जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब लक्ष्मण पांव के पास चला जाता है रावण के, और रावण से पूछते हैं कि रावण, जाते जाते आप बहुत ज्ञानी आदमी थे, मुझे एक ज्ञान दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं। अब रावण मुंह खोलता है और कहते हैं, ज्ञान मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, मैं कुछ एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, अगर आपने उनका जवाब दिया तो मैं आपको ज्ञान दे दूंगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न रावण लक्ष्मण से पूछता है कि देखिए, कुल में मैं आपसे बड़ा, आप क्षत्रिय हो, मैं पंडित हूं, ज्ञान में मैं आपसे बड़ा, आप पूरे जीवन भर जंगल में रहे, एक साधारण मनुष्य के रूप में आपने जीवन व्यतीत किया, और मैंने चारों वेद पढ़े, मैंने आयुर्वेदा पढ़ा, मैंने नीति कूटनीति बहुत सारी ऐसी नीतियाँ पढ़ी, बहुत सारे ऐसे शास्त्र पढ़े मैंने, मुझे हर क्षेत्र का ज्ञान है, ज्ञान में मैं आपसे महान हूँ। तीसरा, आप एक ऐसी सेना के साथ लड़े जिसमें बानर थे, जिसमें साधारण मनुष्य थे, भालू थे, जानवर थे, और मैं लड़ा, मेरे पास एक ऐसे सैनिक जिन्होंने भगवान इंद्र जैसे व्यक्ति को भी मेरे बेटे मेघनाथ ने बंदी बनाया, बाकी मेरे जितने भी भाई थे, कुंभकर्ण, अही रावण, मही रावण और मेरा दूसरा बेटा, जितने भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे बहुत ही पावरफुल थे, शक्तिशाली, और सेना आपसे ज्यादा थी, मेरी सेना में मैं आपसे बड़ा। चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि आप
सात समुद्र पार से आकर के मेरी धरती पे लड़ रहे थे। कहते हैं कि दूसरे की गली में कुत्ता भी शेर बनता है, बट आप मेरी धरती में आकर के लड़े, उसके बाद भी मैं आपके भाई से हारा तो क्यों हारा? जवाब दीजिए। अब लक्ष्मण रावण की तरफ देखते हैं, थोड़ी देर के बाद श्री राम भगवान की तरफ देखते हैं और राम भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं जवाब दो। लक्ष्मण बोलता है मुझे नहीं पता रावण, मुझे नहीं पता कि आप क्यों हारे। तो रावण ने कहा अब शुरुआत होती है यहां से, मैं आपको 8 ऐसी सीखें दूंगा, अगर आपने इनको इंप्लीमेंट किया तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हार नहीं सकते। अब दोस्तों रावण पहला जवाब देते हैं, बोलता है मेरा हारने का पहला कारण ये रहा, आप दोनों भाई चरित्रवान थे, मैं चरित्रहीन था। कहता कि जब तक आप चरित्रवान रहोगे जीवन में, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिस दिन आप चरित्रहीन बन गए, उस दिन आपको छोटे से छोटे तुच्छ प्राणी और साधारण मनुष्य भी हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय एनर्जी का लेवल आपका जीरो हो जाता है। बोलते हैं दूसरी बात, आपके साथ जीवन भर आपका भाई साथ में था और मेरे साथ मेरा भाई साथ में नहीं था। दूसरा कारण मेरा हारने का ये रहा, जीवन में जब तक आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, ब्लड रिलेशन में आपका जो भाई अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। अगर भाई आपसे अलग हो गया, एनर्जी 50-50 हो जाती है, वहां से फिर आपके हार की शुरुआत हो जाती है। तीसरी चीज कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में अपने शत्रु को या अपने कंपटीटर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने ब्रह्मा भगवान से वरदान लिया था और जिसमें मैंने कहा था बानर और साधारण मनुष्य को छोड़ करके कोई भी आदमी मुझे ना मार सके। और क्यों? क्योंकि मैं बानर और साधारण आदमी को तुच्छ समझता था, कमजोर समझता था, इसीलिए कभी भी अपने कंपटीटर को, अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चौथी चीज बताता, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कहता है कि हमें जीवन में जो भी शुभ कार्य हो, अच्छे काम हो, उनको करने में विलंब नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, और जो काम बुरे हो, जिनमें बैड एडिक्शन हो, उनको हमेशा फ्यूचर के लिए टाल देना चाहिए। अगर मैंने राम भगवान की बात मानी होती, जल्दी अगर उनके शरणों में मैं चला गया होता तो शायद आज मेरी ये हालात नहीं होती। मैं नहीं समझ पाया, मैं नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा रहा, पॉजिटिविटी को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, इसलिए विलंब हो गया। अब पछताए होता क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों पांचवी सीख देते हैं रावण लक्ष्मण को, कहते हैं कि जीवन में आपका एक टॉप सीक्रेट ऐसा होना चाहिए जो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। मैंने अपने जीवन का जो टॉप सीक्रेट था भविष्य के साथ, अपने भाई के साथ बताया था, और जिसकी वजह से मेरी आज मृत्यु हो रही है। अगर मैंने उसको अपने मृत्यु का रहस्य नहीं बताया होता तो शायद भगवान श्री राम मुझे आज नहीं मार सकते थे। आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई बार रहस्य होता है, कई सीक्रेट्स होते हैं, हम जाने या अनजाने कई बार बड़ा फेथ करके किसी के ऊपर बोलते हैं। जो टॉप सीक्रेट है दोस्तों वो हमेशा हमारे पास ही रहना चाहिए। सिक्स्थ सीख जो उसने दी, उसने कहा कि तपस्या करने से आप कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब तप करने से, अगर आप तप करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, उसमें अगर आप डटे रहते हैं तो आप कोई भी बड़े से बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसने कहा कि जब भी मैं तपस्या करता था, जब भी मैं ठान लेता था किसी एक काम करने के बारे में, तो उस काम को मैं निश्चित रूप से पूरा करता था, इसलिए मुझे बहुत सारे वरदान मिले थे। दोस्तों सातवीं सीख उसने लक्ष्मण को बताई, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि हमेशा जीवन में हमें एक ही इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए, एक ही भगवान को मानना चाहिए, एक ही गुरु को मानना चाहिए। बोलता है कि मैंने भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की थी और भोलेनाथ ने मुझे हर वो वरदान दिए, भोलेनाथ ने मुझे हर वो बुद्धि दी जो मेरे लिए जरूरी थी। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि अन्य देवी देवताओं का सम्मान ना करें, सभी का सम्मान करें, बट पूजा सिर्फ और सिर्फ एक देवता की होनी चाहिए, अपने इष्ट देवता की। और अंतिम सीख बताई दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें उसने कहा कि मेरा सपना था, मैं सोने में सुगंध डालना चाह रहा था कि सोने में भी खुशबू होनी चाहिए, और मैं आसमान तक, पृथ्वी से आसमान तक सीढ़ियां बनाना चाहता था स्वर्ग में जाने के लिए, तो वो सपना मेरा चकनाचूर हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना अध्ययन, मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी,
जब मैं बुरे कामों में पड़ गया, नेगेटिविटी में पड़ गया, तो मेरी पढ़ाई बंद हो गई, मैंने सीखना बंद कर दिया। जब मैंने सीखना बंद कर दिया तो मेरे दोनों के दोनों सपने चकनाचूर हो गए। ना तो मैं सोने में खुशबू डाल सका, ना तो मैं स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बना सका। अब दोस्तों, ये जो मैंने 8 सीखें आपको बताई, जो लंकापति रावण ने लक्ष्मण को बताई थी, वो हमें बहुत बड़ा लेसन दे करके जाती हैं। इनको अगर हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो हो ही नहीं सकता है कि आप जीवन में हारे। आप पूरी नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं उन सारी चीज़ों से। और आज की स्वतंत्रता का मेरी तरफ से तो आपको एक ही मैसेज है, और ये मैसेज मैं अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कमियां सभी इंसान में होती हैं। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी हैज सम डेफिशिएंसीज, बट हाउ टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज, वी मस्ट नो अबाउट इट। अब कमियां हमें भी है, बट इंप्लीमेंटेशन करना है हमें आज से ही कि उन कमियों से हम छुटकारा कैसे पाए। दोस्तों, आज़ाद हुए हमें 75 ईयर हो गए हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी अपनी आदतों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अगर आप इन 8 सीखों से कुछ सीखेंगे तो उससे सबसे बड़ी सीख ये है, एक तो नेगेटिव चीज़ों के साथ हमने नहीं जीना है, नकारात्मक चीज़ों के साथ हमें नहीं रहना है, और दूसरा, जो बुरी चीज़ें हैं उनको फ्यूचर में टाल दो, अच्छी चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा देरी मत लगाओ। स्टडी हमें रेगुलर करते रहना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन लगातार होते रहना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। और उम्मीद है जब हम नेक्स्ट टाइम 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उम्मीद है कि आप अच्छी आदतों के साथ उस समय तक जी रहे होंगे, और सारी नकारात्मक आदतों को छोड़ करके अच्छी सकारात्मक आदतों को अपने साथ ट्रैवल और कैरी कर रहे होंगे। फाइनली दोस्तों, अगर इसको हम वीडियो को कंक्लूड करें, सबसे पहले हमें चरित्रवान रहना चाहिए। जो भी काम शुभ है, हमें लगातार शुभ कार्य को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अपने सीक्रेट हमें किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करने चाहिए जब तक वो प्रूव ना हो। और इसके बाद दोस्तों, लगातार हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, तपस्या हमें लगातार करते रहना चाहिए। किसी भी काम में अगर हाथ डाला है तो उसको लगातार करते रहिए, उसमें आपको तपना पड़ेगा, तपते रहिए। उसके बाद दोस्तों, एक इस देवता की पूजा कीजिए, एक साधे सब आए, सब साधे सब जाए। और कभी भी किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़, परिवार के साथ, भाई के साथ मिलकर के रहना सीखो। कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती है। ये 8 चीज़ें अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो भविष्य में बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत कामयाब इंसान बनेंगे। होप्सो कि आपको भविष्य में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। वंस अगेन दोस्तों, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं राम प्रकाश ठाकुर आपके नए सीखने के जज्बे को सलूट करता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।